दबंग खबर का शुक्रिया कि आज चंद अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया है। चंद खुशखबरियाँ हैं जो आप दोस्तों से शेयर करता चलूँ, और ये खुशखबरियाँ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हैं और सयाहों के हवाले से हैं जो पाकिस्तान से या दुनिया भर से गिलगित बल्तिस्तान का सैर करना चाहते हैं, और उन सयाहों के लिए है जो लोकल सयाह हैं उनके लिए भी है। 12 जून से एयर सफारी का आगाज़ होगा। PIA जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा PIA का जहाज़, तो यहाँ से मानसेरा एबटाबाद से होते हुए नारान और कागान की वादियाँ दोनों जानिब दिखाएगा, और कैप्टन साहब PIA के एक्सप्लेन करेंगे, लोगों को ये बता देंगे कि आगे रास्ते में जिल सैफुल मलूक, उससे आगे चल के मुख्तलिफ वादियाँ हैं वो दिखाई जाएंगी, और साथ ही साथ जब वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो नागा पर्वत, दिवसाई प्लेन्स, और इसके अलावा गशबरुम 1-2 और पूरा एक इलाका जो जहाँ पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, जिसमें नागा पर्वत है, गशबरुम 1 है, गशबरुम 2 है, K2 है, इसी तरह से ब्रॉड पीक है, और उससे उसके अलावा जो ऊंची चोटियाँ हैं तो वो दिखाई जाएंगी। और ये जहाज़ जो है 1 घंटे की फ़्लाइट होगी, और स्कर्दू एयरपोर्ट पर ये जहाज़ उतरेगा, और स्कर्दू एयरपोर्ट पर जहाज़ उतरने के बाद से जो ट्रेवलर्स हैं या जो सयाह हैं उनके लिए एक हाईटी का इंतज़ाम किया जाएगा। 2 घंटे उनको मिलेंगे जाके शंग्रीला होटल में, वो अपना हाईटी करेंगे, और उसके बाद से जो सयाह वहाँ रुकना चाहें वो रुक सकते हैं, और जो वापस आना चाहें वापस आएंगे। इसी तरह से एक ज़बरदस्त किस्म का एयर सफारी का आगाज़ किया जा रहा है, 12 जून से होगा। इसके लिए चंद शराइत रखे गए हैं। जो सयाह जो गैर मुकामी होंगे उनके लिए लाजिम होगा, खुसूसन जो जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट यानी कि कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो साथ अपने हमरा लेके जाना होगा, और उसके अलावा जो जिनकी उम्र 30 से 50 साल के दरमियान हैं, अगर कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई गई है तो ऐसे में उन्हें PCR टेस्ट जो है वो करवाना होगा, 72 घंटों की वैलिडिटी होनी चाहिए, और इसमें इंटरनेशनल सयाह भी हैं जिनके लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद करना बहुत लाजमी करार दिया गया है। सिविल एविएशन ने इसी हवाले से एक ट्रेवल एडवाइज़री भी जारी की है, इसमें तमाम ब्रैकेट्स मेंशन किए गए हैं, और वो अफराद जिनके पास जिनकी उम्रें 50 साल से कम हैं तो वो अपने साथ PCR टेस्ट लेकर जा सकते हैं, उसका रिज़ल्ट लेके जा सकते हैं यानी कि नेगेटिव हो। गिलगित बल्तिस्तान गो की स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं, खाओ बल्तिस्तान डिवीज़न हो या गिलगित डिवीज़न, तमाम 10 के 10 अजला में सयाहती मुकामात हैं, झीलें हैं। माउंटेंस की बात की जाए तो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 वहाँ पर मौजूद है, इसी तरह से नागा पर्वत है, गशबरुम 1, गशबरुम 2, यानी कि 101 7000 और उससे बुलंद चोटियाँ हैं, 5100 ग्लेशियर्स हैं, और उसके साथ बर्फ़पोश इलाके हैं, वो तकरीबन 2200 स्क्वायर मील पर फैला हुआ ये सारा इलाका है। 119 झीलें हैं जो कि अब तक बाज़ औक़ात जो हमारी यूथ है वो केयरलेसनेस शो करती है। टिकटॉकर्स हैं कुछ जो कि गिलगित बल्तिस्तान हाल ही में गए और एन्जॉयमेंट बहुत की, और टिकटॉकर्स ने जाके चेरीज़ के दरख्तों पर चढ़कर चेरीज़ के दरख्तों की टहनियाँ तोड़ी, जो कि मुकामी सतह पर देखा जाए तो ये बात ठीक नहीं है। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में फ्रूट की फरावानी है, चेरी होता है, शहतूत होती है, अंगूर होती है, और ख़ुबानी, बादाम, अखरोट, नाशपाती, हर तरह का फल वहाँ पर होता है, लेकिन इसके लिए जो बाहर से सयाह जाते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए जो मुकामी हैं वो अपने दरवाज़े खोलते हैं, अपने बागात खोलते हैं और उनको अलाव करते हैं वो जाएं, लेकिन ये कि टहनियाँ तोड़ना और हुल्लड़बाजी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, इससे एक नेगेटिव मैसेज जाता है। टिकटॉकर्स को भी चाहिए कि एक पॉजिटिव मैसेज को सामने रख कर आगे बढ़ें। इसके अलावा कराची से हफ्ते में 2 फ्लाइट्स स्कर्दू के लिए ऑपरेट होंगी, और लाहौर से भी फ़्लाइट्स इस वक्त चल रही हैं, तो ये मजमूई तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टर है, और PIA ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है, और मुस्तकिल फ़्लाइट्स गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऑपरेट हो रही हैं। यही सीज़न है जिसमें टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है, फिर इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हम जो भी अपने साथ खाने पीने की अशिया लेके जाते हैं या मुकामी तौर पर वहाँ पर किसी झील की तरफ जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कचरा जो हमारे साथ होगा हम प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करें, ताकि हमारे माहौल का तहफ़ हो सके। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान, बल्कि न ही पूरे पाकिस्तान,
पूरी दुनिया के सयाहों के लिए एक खुशखबरी ये है कि नॉर्थ एयर के नाम से एक निजी एयरलाइन टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए सामने आ रही है, उनको लाइसेंस मिल गया है। बहुत जल्द वो अपने ऑपरेशंस का आगाज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट के या इस कंपनी के जो रूह रवां हैं नाज़िमुल अमीन साहब हैं, मेरी ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। यकीनन ये कामयाब होगा ये बिज़नेस, और इससे जो मसाइल ट्रेवल के हवाले से है वो किसी हद तक हल होंगे। डेस्टिनेशंस में इस्लामाबाद टू गिलगित, इस्लामाबाद टू स्कर्दू, इस्लामाबाद टू चित्राल और इस्लामाबाद टू गवादर, यानी कि ये चार डेस्टिनेशंस पर ये फ़्लाइट्स ऑपरेट हुआ करेंगी। 70 से ज़ायद पसेंजर पर मबनी ये फ़्लाइट होगी, और ये ATR से थोड़ा बड़ा जहाज़ होगा जिसमें अच्छी खासी तादाद में सयाह इन डेस्टिनेशंस की तरफ जाएंगे। अब बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड, एक इंक्लूसिव टूरिज़म पॉलिसी फ़ौरन जंग वॉर फुटिंग्स पर लेकर आए, ताकि टूरिज़म को बतौर सनत और इसको आगे प्रमोट किया जाए, और इसमें जो भी टूरिज़म से मुतलिका उससे अलाइड शोबे हैं उनको बेहतर करने के लिए, और फिर माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए माहौलियात के तहफ़ को सामने रखकर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, मुरतब करने की ज़रूरत है, और फ़ौरन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी से ज़्यादा सयाह हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, और यकीनन उनको वो तमाम सहूलतों की ज़रूरत होती है, खा वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, उनके अकोमोडेशन के हवाले से मामलात हों, या एलाइड जो सर्विसेज हैं उस हवाले से बात हो। ट्रेवल एंड टूरिज़म के हवाले से दो अहम मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश करता चलूँ कि दुनिया में तुर्की एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन है ट्रेवल एंड टूरिज़म के हवाले से। GDP का जो रेशो है, जो यानी कि जो कौमी आमदनी का जो ज़रिया है, उसमें से 12.5% ट्रेवल एंड टूरिज़म से कंट्रीब्यूट होता है। तुर्की के अलावा एक और हम डेस्टिनेशन की बात की जाए तो वो है स्विट्ज़रलैंड। पूरी दुनिया को पसंद है स्विट्ज़रलैंड, लोग जाते हैं, बड़ी तादाद में जाते हैं, अमेरिका से, फार ईस्ट से, पाकिस्तान से, मिडल ईस्ट से, एशिया, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर साइट सीइंग के लिए ट्रेवल एंड टूरिज़म करते हैं। तो टूरिज़म के हवाले से उनकी जो आमदनी है, GDP का जो रेशो है ट्रेवल एंड टूरिज़म से, वो 8.7% है। ये एक बहुत बड़ा चंक है जहाँ से ये अपनी कौमी आमदनी का एक ज़रिया उनका बनता है, और ये बहुत बेहतरीन इको फ्रेंडली टूरिज़म वहाँ पर चल रहा है। तो हमें भी पाकिस्तान में भी हमारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की वफाक को कम से कम कुछ गाइडलाइंस फ्राहम करनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए, गो कि टूरिज़म एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को इस हवाले से ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि एक पायदार तरक्की का एक ज़रिया बन सके टूरिज़म के ज़रिए से, और दीगर एलाइड जो इससे मुतालिका शोबे हैं उस हवाले से। वो सयाह जो पाकिस्तान भर से गिलगित बल्तिस्तान इस साल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस होगी कि अभी बाबूसर टॉप को खुलने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे। 70 किलोमीटर बनता है बाबूसर टॉप तक नारान से, लेकिन ये कि कुछ पेचेज़ हैं जहां पर अभी रोड्स को क्लियर किया जा रहा है। चिलास से बाबूसर कनेक्टेड है, बाबूसर से नारान और कागान तक कनेक्टिविटी नहीं है। तो एक वाहिद रास्ता हज़ारा मोटरवे से थाकोट, थाकोट से कोहिस्तान के इलाके से होते हुए यामर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो सकते हैं सयाह, और वहाँ से आगे फिर जगलोट के इलाके से अगर कोई सयाह स्कर्दू जाना चाहें तो स्कर्दू जा सकते हैं, और बाकी सयाह जो गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों का विज़िट करना चाहते हैं, जिसमें गिलगित है, गिलगित के आसपास के डेस्टिनेशन हैं, गज़र है एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन है, उसमें गुपिस वैली है, यासीन वैली है, इश्कोमन वैली है, और इसके अलावा पुनियाल वैली है, बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से हुंजा वैली है, हुंजा वैली चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करती है, और ज़िला हुंजा में लोअर हुंजा है, सेंट्रल हुंजा है, अपर हुंजा है, इसी तरह से फिर वहाँ पर अताबाद लेक भी है, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर, इसके अलावा फ़ोर्ट्स हैं, दो बड़े फ़ोर्ट्स वहाँ पर हैं, अलतीत फ़ोर्ट, बल्तीत फ़ोर्ट, और नगर की बात की जाए तो नगर में बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे सयाह विज़िट कर सकते हैं इस साल। नगर में अभी जो गैर मकबूल है उसमें मलतर है, जो वहाँ पर लोग कम ही जाते हैं, इसके अलावा राकापोशी व्यू पॉइंट है, इसी तरह से मिनापिन वैली है,
और आगे जो बड़ी नगर है उसके इलाकों में जा सकते हैं। तो नगर में बेपनाह डेस्टिनेशंस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, और इसके अलावा फिर छल्त वैली के अंदर, छल्त और बुलडस वैली कहलाती है, वहाँ पर भी जा सकते हैं, और वहाँ देतर का इलाका है, और बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं जहाँ का सयाह विज़िट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेन हो सकते हैं। बस एक गुजारिश तमाम सयाहों से होगी कि इन जो हसीन मनाज़िर हैं इनको महफूज रखने के लिए, यहाँ पर आलूदगी को कम करने के लिए अपने साथ जो भी ट्रेश हैं, जो बोतलें होती हैं, जो प्लास्टिक का जो आइटम होता है, कोशिश करें कि अपने साथ बैग्स में डालें और उसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। मैं ज़ाती तौर पर जब जाता हूँ तो चाइना के बॉर्डर तक मेरा विज़िट होता है और बाकी इलाकों में भी जाता हूँ, तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पानी के अंदर बोतलें फेंकी जाती हैं, ट्रैश फेंका जाता है, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंकी जाती हैं। खुसन चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने देखा है बेताशा बेपनाह गर्मियों में कचरा इकट्ठा होता है, और फिर वहाँ जो अपर हुंजा के जो सिविल सोसाइटी है, स्कूल के बच्चे हैं, जब ये ऑफ सीज़न होता है तो ख़ुद जाके वो वहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं और उस कचरे को ला के प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं, डंप करते हैं। तो ऐसे में हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी माहौलियात का ख्याल रखें। बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से हरिपुर में मुनक़दा हालिया इवेंट में इमरान खान खुद मौजूद थे, और उसमें ये ऐलान हुआ कि 1 बिलियन जो दरख्त हैं वो उगा दिए गए हैं पाकिस्तान में, और ये खुशाइन बात है। हमें मैक्सिमम अपने पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खुसूसन ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। अब 10 बिलियन की बात की गई है कि 10 बिलियन का टारगेट भी हम अचीव करेंगे।